नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भोजन के पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। मनुष्य न केवल मौसम में बदलाव होने के कारण बीमार होता है, बल्कि भोजन में कुछ तत्वों की कमी के कारण भी मनुष्य को रोग लग जाते हैं, जैसे भोजन में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें अंधापन जैसा रोग लग जाता है, क्योंकि हमें देखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। जब किसी बच्चे के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी आँख की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। जो बच्चे रतौंधी रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें कम रोशनी में और अंधेरे में कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा सूख जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा उपस्थित हो। दूध, मछली, अंडे, मछली के तेल में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। गाजर, पपीता और आम भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो महिला गर्भवती होती है तो उन्हें विटामिन ए युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इससे महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को विटामिन ए की खुराक मिलती रहेगी। हमारे देश में विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए 1 से 5 साल तक के बच्चे को हर 6 महीने में एक बार विटामिन ए ई सिरप पिलाई जाती है। इसे पीने के बाद विटामिन ए की कमी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को अंधेपन के रोग से भी बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है, जिसका उपयोग करने से आप विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।